तो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, मतलब दिखाने अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, यस गाइस, इसकी इंडिया स्पेस ओडिसी। मतलब इसमें जो रॉकेट्स है हमें वो दिए हुए हैं और हमें रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स बनाने। भाई साहब, मैं तो इसके लिए बहुत इंटरेस्ट, मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ। हम इसे देख सकते हो आप सर, और ये मैपियोलॉजी ने इसे बनाया है। एंड हम इसमें मेक 8 रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स, इसमें मंगलयान, चंद्रयान, उस टाइप के PSLV, जैसे आप देख पा रहे हो आर्यभट्ट सैटेलाइट, इसरो, बिल्ड, डिसेबल, डिसमेंटल, रिबिल्ड, बहुत मस्त है। एंड इसके पीछे बस हमारा ये इसरो का लोगो है एंड GSLV है, और ये सारे रॉकेट्स का ये है कि कैसे क्या बना है। और ये पड़ा है 990, मतलब 1000 रुपये का। तो ये सो मैं मेरे मामा के घर गया था, तो तब मुझे मिला ये गिफ्ट। तो मुझे मामा ने दिया था गिफ्ट, तो और मैंने खोल के देखा तो भाई साहब क्या मस्त गिफ्ट था। तो मैंने सोचा कि आपको मैं दिखा दूँ एंड फिर लेट्स गो। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, मैं बोला चलो सोचो मैं तुमको भी दिखा देता हूँ कैसा है कैसा नहीं, आपको पसंद आया। अगर आपको ये लेना है तो उसकी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो, आप जाके वहाँ से ले सकते हो। तो फटाक से हम इसके अनबॉक्स करते हैं। एंड गाइस, आप ये देख रहे हो कितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया यार, फटाक से जाके सब्सक्राइब कर दो, किसकी देर देख रहे हो। और गाइस, हम फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी आप देख पा रहे होगे ये तो ऐसा है, और अभी हमें यहाँ से खोलना ऐसा है। एंड इमेजिन मेकर, ओ भाई साहब, भाई इतना मस्त है यार। एंड ये इसमें कुछ रॉकेट्स, ओ भाई, GSLV मिक MK3 PSLV इंडिया, हम इसे बाजू में रखते हैं। ये है, ये तो लगता है मुझे ये होगा GSLV का। सो उसके अंदर डाल देते हैं, ये भी GSLV का होगा, नहीं यार बाद में दिखेगा। और ये है SLV 3 इंडिया का, जो कि लॉन्च किया था, मतलब जिस पे काम चल रहा था। एंड ये पहला इंडियन रॉकेट था। एंड इसमें कुछ बुक आती है, इंडिया स्पेस ODCCE कुछ है, 3-2-1 ब्लास्ट ऑफ एंड लेट्स गो इसरो का, कितना मस्त है यार ये। एंड गाइस, ये है फर्स्ट इमेज, देख पा रहे हो, फर्स्ट इमेज कैप्चर्ड बाय इंडियन सैटेलाइट इनसेट सैटेलाइट 3DR फ्रॉम अबाउट 35,786 किलोमीटर अबाउ द अर्थ। और ये हमारे भारत की तस्वीर है। एंड ये देख सकते हो RH-75 आर्यभट्ट SLV 3, जो कि ये है SLV 3, और इसके और पार्ट्स के अंदर है। ये है PSLV इंडिया, एंड चंद्रयान जिसमें PSLV लेके गया था, मंगलयान जो कि PSLV में ही गया था, और ये GSLV MK3, और इसके कुछ ये पार्ट्स, एंड चंद्रयान 2 जो कि हमारा मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट टू लैंड ऑन द मून। एंड इसके आगे बहुत कुछ है, इसके इधर स्टेजेस है, नो द रॉकेट, सैटेलाइट ऑर्बिट्स, सैटेलाइट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इसरो के सेंटर्स देख सकते हो, रोहिणी 75 एंड बहुत 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 कुछ है। तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम बनाते हैं, मतलब देखते हैं और क्या अंदर। सो ये है स्टिकर्स, भाई क्या कूल स्टिकर्स है यार, मुझे नहीं था ये होगा। एंड इसमें मेन चीज आती है हमारी, एंड लेट्स ओपन इट। आओ भाई साहब, आर्यभट्ट सर उनकी सैटेलाइट, अरे यार ये इसका प्रॉब्लम है, मैं इसे बाजू में निकालता हूँ, ये बॉक्स को रख देता हूँ बाजू में। सो गाइस, ये रॉकेट्स को भी बाजू में रख देता हूँ, तकलीफ नहीं होगी ज़्यादा, ये भी रख देता हूँ बाजू में। ओके, एंड अभी हम ये खोलते हैं और देखते हैं कैसा है अंदर से।
ओ भाई पार्ट्स निकल रहे इसके तो आधे आधे। ठीक है चलो, और ये है आर्यभट्ट सैटेलाइट। तो अभी हम देखते हैं आठ मतलब एंड ये क्या आया, ये निकल रहा है चंद्रयान टू की। गाइस आप देख पा रहे हो कैसे निकल रहे ये, मतलब है ठीक है। चलो यार अभी क्या कर सकते हैं हम, इसको छोड़ो हम इसे बाद में लगाएंगे। एंड इसके बाद आता है चंद्रयान वन। वाओ ऐसा लग रहा है पूरा गोल्ड ही कर दिया है। ये है पीएसएलवी जो कि हमें बनाना है, ये है जीएसएलवी मिक 3 जो कि हमें बनाना है, और ये है कुछ ऐसे मतलब उस टाइप के, नीचे बहुत कुछ है। पर हम पहले करेंगे जीएस, सबसे पहले हम चालू करते हैं जो कि सैटेलाइट है। आप बोलो, अब हम आर्यभट्ट तो इजी है तो ठीक है। चलो मैं ना सारे बना के दिखाता हूँ, और मैं मंगलयान और चंद्रयान टू का बस मैं वीडियो दिखाऊंगा। तो मैं सारे पहले बना लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले मैं तो बनाने वाला हूँ आर्यभट्ट सैटेलाइट। बस अभी ये सीधा, ये मुझे पता है कैसे बनाते हैं, इसलिए मुझे बहुत मतलब आपको पता है कि मुझे मतलब स्पेस में बहुत इंटरेस्ट है, और मेरा ड्रीम है एस्ट्रोनॉट बनना। एस्ट्रोनॉट हाँ, एस्ट्रोनॉट ही, और इसरो के लिए काम करना अपने भारत के लिए। सो पहले सारे इसको निकालते हैं एंड फिर हम चालू करते हैं हमारा नाना। तो और ये निकल गया, ये सारे कार्डबोर्ड के पीसेज है गाइस। सो कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ पे रख दिया और हम वापस लगा भी सकते हैं। एंड आपको जो यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं, ये ऐसे चार ढूंढ लेने, तो हम ढूंढते हैं चार, ये बाजू में रखते हैं, ये एक दो, ये तीन, और ये और एक आ गया चौथा, नहीं ये नहीं चौथा है ना, है ना भाई, सारे मिल गए। और हमें इसे लगाना है, ये देखो, अगर आपको तो भी समझ में नहीं आया कैसे लगाते हैं, तो हमारे पास ये बुक जो है वो उसके लिए दी हुई है ताकि हम समझ सके कि कैसा क्या है और कैसा कैसा। You out this world, need some space for me. I'm out here, girl. I don't really got time to fuss and fight no more with you. Really got time. And guys, ये हमारा आर्यभट्ट सैटेलाइट कंप्लीट हो चुका है, जिसके आप लोग देख पा रहे हो बहुत मस्त लग रहा है। एंड ये हमारा पहला सैटेलाइट, सो हम इसे यहाँ पे रख देते हैं। फिर उसके बाद आता है, और ये इसे भी साइड में रख देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। अभी इसके बाद आता है हमारा मंगलयान मिशन, और इसका भी मुझे इसका नहीं पता, इसके लिए मैं देख रहा हूँ मंगलयान कहाँ गया है। यस चंद्रयान वन मंगलयान, ओके। सो ये है ऐसा सॉरी चंद्रयान का निकाला मैंने, तो हम चंद्रयान का करते हैं, सॉरी ओके। ये है चंद्रयान वन का। सो सबसे पहले हमें लुकआउट फॉर दिस ऑल साइन, लुकआउट फॉर दिस साइन मतलब जो चांद है वो ही निकालने बस। सो ये है ओके, तो ये एक पहले, ये एक दूसरा, तो गाइस मैं सारे रॉकेट्स बना लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। सो गाइस अभी फिलहाल मेरा हो गया चंद्रयान वन का सेट, थ्री सोलर पैनल निकल गया ठीक है, और ये हो गया है। एंड अभी मेरा फर्स्ट सैटेलाइट भी हो गया है, सेकंड भी हो गया,
और मतलब कर लेता हूँ अभी, बाकी जो जितने कर लेता हूँ और इसके बाद मिलता हूँ। सो गाइज, अभी फाइनली पूरा बन चुका है, सैटेलाइट्स रॉकेट्स सारे के सारे। सो लेट्स गो। एंड गाइज, सबसे पहले हम आते हैं तो ये है रोहिणी 75 जो कि 1967 में लॉन्च हुआ था पहला, जो कि बस 10 किलोमीटर ऊपर गया था। फिर उसके बाद आते हैं हम SLV-3 पे जो कि 1980 में, सॉरी, फिर हम आते हैं आर्यभट्ट पे 1975 में जो लॉन्च हुआ था। सो गाइज ये कुछ ऐसा है। एंड फिर उसके बाद आते हैं हम SLV-3 मतलब कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो कि 1980 में लॉन्च हुआ था, जो कि बस गया था लोअर अर्थ के ऑर्बिट में। फिर उसके बाद आता है PSLV 1994 में जो कि कुछ ऐसा है। और फिर उसके बाद आता है हमारा GSLV MK3 जो कि 2014 में लॉन्च हुआ था, बना था, एंड ये कुछ इस टाइप का है। फिर उसके बाद हम जाते हैं पूरा आगे और हम पहुंच जाते हैं फिर चंद्रयान के मिशन पे। सो ये है जियोस्ट्रॉनिकल ऑर्बिट। एंड फिर इसके बाद चंद्रयान 1 मतलब चंद्रयान 2 है ये। ये चंद्रयान 2 जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। एंड फिर ये है चंद्रयान 1। उसके बाद आते हैं हम PSLV के रॉकेट मतलब जो है मंगलयान 1। और ये है मार्स, इसका जो मून है ये है डेनिमस, उसका इसके नीचे छुपा हुआ है जो कि है फोबस। एंड ये कुछ ऐसा है। सो गाइज, अभी मैं आपको एक एक करके पूरा ठीक से दिखाता हूँ। और गाइज आपको पता है इसकी ये हम पलट भी सकते, तो मैं आपको ये बस पलटा के दिखाता हूँ। एंड गाइज मुझे बहुत अच्छा मतलब बहुत मस्त है यार ये। अगर आपको लेना है ना, ये लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप जाकर जल्दी से ले लीजिए या लेना है तो। सो यार बहुत मस्त है पर ये, तो फटाक से मैं इसे उल्टा करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ पूरा कैसा है कैसा नहीं। सो गाइज अभी ये है उसका ऐसा लुक जो कि पलटने पे दिखता है। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई, श्रीहरिकोटा लॉन्च साइट, किसने कौन सा बनाया था, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने बनाया था ये, आर्यभट्ट, और ये SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अमंगस्ट हिज मेनी कंस्ट्रक्शन वाज़ फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च इन। एंड ये था APJ अब्दुल कलाम ने, इंडियन सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट, और ये है GSLV, ये है चंद्रयान 2 और 1 दोनों एक साथ है, ये है मंगलयान का मिशन। सो गाइज अभी इतना ही है। एंड गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा आज का ये वाला वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिल जाएगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।